हेलो गाइस, वेलसेट कंपैरिजन के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme Buds Q2S एंड OnePlus Nord Buds का। यहाँ पे इस आगे वीडियो में बोथ का फीचर एंड स्पेसिफिकेशन कंपेयर करके बताएंगे कौन सा बेस्ट रहेगा आपको परचेस करने के लिए। सब्सक्राइब देखते रहिए और अगर आप सब्सक्राइब करिए अभी शुरू करते हैं। Realme Buds Q2S versus OnePlus Nord Buds, बोथ यहाँ पे बजट प्राइस में नेक्स्ट लेवल फीचर TWS ईयरबड्स इंडिया में लॉन्च हुए हैं और इनकी अब सेल भी स्टार्ट हो रही है। आप लोग का कंफ्यूजन होगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि बोथ में आपको बिल्कुल सिमिलर फीचर्स मिलते हैं लेकिन प्राइसिंग का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आगे वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इनके फीचर एंड स्पेसिफिकेशन से वाइज आपको कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा इस प्राइस में और कौन सा आप परचेज करेंगे। सो चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। Realme Buds Q2S वर्सेस OnePlus Nord Buds, इस पे सबसे पहले आईडियो के बारे में बात करते हैं। तो Realme Buds Q2S जिसपे आपको 10mm का डायनेमिक बेस बूस्ट ट्रैपर फीचर किया गया है, OnePlus Nord Buds जिसमें आपको 12.4mm का टाइटेनियम ड्राइवर फीचर किया गया है, बोथ में आपको डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट मिलता है जो कि सिमिलर फीचर है, और बोथ में आपको AI नॉइस कैंसिलेशन मिलता है कॉलिंग के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन की टेक्नोलॉजी बोथ ईयरबड्स में फीचर की गई है। Realme Buds Q2S versus OnePlus Nord Buds, जिसमें आपको बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। तो Realme Buds Q2S जिसमें टोटल आपको 30 आवर्स की बैटरी फीचर की गई है, इसके केस में 4 आवर की बैटरी ईयरबड्स में, और ये आपको 10 मिनट की चार्जिंग में जस्ट 3 आवर्स का प्लेबैक देता है। लेकिन OnePlus Nord Buds जिसमें 30 आवर्स की टोटल बैटरी इसके केस में फीचर की गई है और 7 आवर की बैटरी ईयरबड्स में मिल जाती है, लेकिन ये 10 मिनट की चार्जिंग में आपको 5 आवर्स का प्लेबैक देता है जो कि इसमें रैप चार्ज की टेक्नोलॉजी फीचर की गई है। Realme Buds Q2S वर्सेस OnePlus Nord Buds, इसमें यहाँ पे आप कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो Realme Buds Q2S जिसमें ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिलती है, OnePlus Nord Buds इसमें भी आपको ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिलती है, बोथ आपको काफी द फास्ट पेयर के साथ है, जिसे काफी फास्टली आप पेयर कर सकते हैं। ये आपको टच कंट्रोल के साथ है जिसमें जितने भी फीचर्स है वो आप टच कंट्रोल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं बोथ ईयरबड्स में। Realme Buds Q2S वर्सेस OnePlus Nord Buds, इसमें बात करते हैं वाटर रेसिस्टेंट एंड लेटेंसी के बारे में। तो Realme Buds Q2S आपको IPX4 वाटर रेसिस्टेंट के साथ आता है, OnePlus Nord Buds IP55 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट के साथ आता है। Realme Buds Q2S जिसमें आपको 88 ms तक का सुपर लो लेटेंसी मिलता है, OnePlus Nord Buds जिसमें आपको 94 ms तक का लेटेंसी मिलता है जो कि यहाँ पे प्रो गेमर मोड के साथ आता है, यानी कि गेमिंग के लिए आपको बोथ बेस्ट है, लेकिन OnePlus Nord Buds थोड़ा सा ज्यादा बेटर मिलता है Realme Buds Q2S से गेमिंग के मामले में। तो गाइस यहाँ पे ये कुछ है इनके फीचर। अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में। तो Realme Buds Q2S जिसकी प्राइसिंग 1999 रुपए, OnePlus Nord Buds जिसकी प्राइसिंग 2799 रुपए, ऑलमोस्ट प्राइसिंग का ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन आप देख लेते हैं फीचर भी कितना ज्यादा मिलता है, ड्राइवर भी ज्यादा मिलता है, बैटरी भी ज्यादा मिलती है, लेटेंसी भी ज्यादा मिलती है, वाटर रेसिस्टेंट, बहुत सारी चीजें आपको ज्यादा मिलता है। तो मैं आपको बताऊं कि बोथ आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको और ज्यादा बेटर चाहिए तो OnePlus Nord Buds बेस्ट है बजट प्राइस में, लेकिन Realme Buds Q2S भी आपको उतने कम में आपको लिए बेटर है। आप डेफिनेटली से चेकआउट कर सकते हैं सेकेंड में, यानी कि आज से सेल स्टार्ट हो रही है 10 मई को OnePlus Nord Buds की। सो बस एक उत्तर में वीडियो पसंद है लाइक करिए, अपने एक कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।